आज संपूर्ण विश्व साइकिल दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आज प्रदेशवासियों को विश्व साइकिल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आइए विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर हम सभी स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाई और प्रदूषण को कम करने का संकल्प ले। तो वहीं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अलग जगाने और प्रदेश को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से राजस्थान एनवायरमेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस समिट के उपलक्ष्य में RECCC इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ लाइफ साइंसेज और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में साइक्लोथोन का आयोजन किया गया। राजधानी जयपुर में एक निजी होटल से 150 से अधिक प्रतिभागी साइकिल से रवाना हुए। उन्होंने गिरधर मार्ग, अपेक्स सर्किल और जवाहर सर्किल, फिर वापस होटल तक का सफर किया। प्रतिभागियों ने गो ग्रीन का नारा लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई। RECCC के डायरेक्टर वैभव भारद्वाज ने बताया कि प्लांटेशन व एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए संस्था कार्यरत है। इस कार्य में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। प्रोफेसर अशोक कुमार ने कहा कि विश्व साइकिल दिवस पर जयपुर से हमने देश भर को स्वस्थ रहने व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आयोजन के तहत 4 जून को आमेर क्लार्क में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे समिट के 6th संस्करण का आयोजन होगा। इसमें पर्यावरण संरक्षण के उल्लेखनीय कार्य करवाने वाले महानुभावों को राजस्थान पर्यावरण गौरव समेत अन्य सम्मान से नवाजा जाएगा। विश्व साइकिल दिवस पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज ये बहुत ही अच्छा दिन है जिसमें कि हम एक सभी युवाओं को, सभी देशवासियों को एक संदेश देते हैं कि हमारे सेहत और स्वास्थ्य के लिए हमें क्या उपयोग करना चाहिए और हम अपने वातावरण को किस प्रकार से प्रदूषण होने से बचा सकते हैं, ताकि हम कम से कम संख्या में हैवी व्हीकल्स का उपयोग करें। तो उसके लिए साइकिल एक ऐसा माध्यम है जिसका दोनों संदेश जाते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य में भी अच्छा कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए जैसे देखिए, हम लोग राइड करते हैं तो साइकिलिंग करते हैं तो उससे एक संदेश ये भी जाता है कि जितना हो सके ये जो गाड़ियां हैं इनको अवॉइड किया जाए, इनको एज ए कम्यूट यूज़ किया जाए। जैसे हम लोग ऑफिस भी जाते हैं, हफ्ते में एक बार साइकिल से जरूर जाते हैं ताकि हम लोग हमारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन एनवायरमेंट के टूवर्ड्स दे सकें। तो जितना ज़्यादा पैडलिंग करेंगे हम लोग, शायद उतना ही एनवायरमेंट को सेव कर पाएंगे, ग्रीनरी सेव कर पाएंगे। और जैसे आप देख लो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि अपने एंड से जितने पेड़ पौधे लगा सकते हैं उनको लगाना चाहिए।